वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली डाइज विद चौहान सिस्टर्स। तो मैं हूँ अभी बैंगलोर में, तो अभी मैं बैठी हूँ ट्री स्टॉप बार एंड किचन, और ये है बैंगलोर में लेवी रोड पे। काफ़ी मतलब फेमस रोड है, काफ़ी मतलब हैपनिंग प्लेस है यहाँ पे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के, बहुत सारे मतलब पब के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। इसके एम्बियंस काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनली मैं बैंगलोर दोबारा आ गई हूँ, तो दोबारा आपको मेरे सीरीज के मतलब एक नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलूंगी, नई नई जगह मैं एक्सप्लोर करूँगी और ले जाऊँगी आपके साथ। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है वो भी देख लीजिए, उसका फूड रिव्यू मैं आपको दूंगी। तो आज मेरे साथ कौन है वो ज़रूर देख लीजिए। एज यूजुअल हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे, वो एज यूजुअल अच्छे थे, और स्प्रिंग रोल वाज लाइक ओके, नॉट सच ग्रेट बट नॉट बैड आल्सो। आई थिंक आई विल गिव 7, एंड डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट नैचोस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे डिड, दे हैव पुट सो मच सॉस और क्रीमी, आई डोंट नो, बट इट बिकम वेरी सॉगी। यूजुअली दे विल पुट ऑल दैट क्रीम और व्हाटएवर दैट नैचो लाइक the cheese and all, but this time I don't feel, when I'm like tasting the first bite, it's soggy. Usually after like last bite it should be soggy, but I don't know. तो उसको तो मैं आई थिंक 2.5 दूंगी। तो मैं आपको बोलूँगी मत लीजिएगा। फ्रूट वॉज ओके, एम्बियंस इज गुड। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू, एंड या वी टुक सम ड्रिंक आल्सो, पीना कोलाडा एंड सम अदर वन व्हिच आई फॉरगॉट द नेम आल्सो, एंड ड्रिंक वाज ओके, नॉट सच ग्रेट, सो ओवरऑल ओके। सुबह से हो गया है अब, काफ़ी मतलब डिम हो गया है, नॉट सुबह मतलब हम लोग आए थे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 5 or 5:30, और अभी हो रहा है आई थिंक 7 अप्रॉक्सीमेटली। तो काफ़ी अब लाइटिंग मतलब चालू हो गया और काफ़ी डार्क हो गया है, बट अपार्ट एज आई सेड लाइक फूड वॉज ओके, नॉट सच ग्रेट, बट एम्बियंस इज गुड, आई लाइक द वाइब बिकॉज मतलब बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह है, जहाँ आप चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपने वंस के साथ आओ, जहाँ आप टाइम स्पेंड कर सको, तो इट्स अ गुड प्लेस, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगा बात करने का, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और हाँ, हम लोग का बिल आया है वो है 1650 का, तो सबसे अच्छा है मैं पे कर रही हूँ जोमेटो से, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग द ऑफर दैट आई एम गेटिंग 15% डिस्काउंट ऑन माई फाइनल बिल, तो मैंने सोचा आपके संग भी शेयर करूँ, हमारा प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो 15% डिस्काउंट मिल रहा है मुझे बिल पे, तो आप भी पे कीजिए जोमेटो से, आप भी ये लुक उठा सकते हैं। तो अब मैं घर जाके आपसे बात करूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ कुछ डेजर्ट उठाने का, तो वो देखते अगर होता है तो मैंने अपना फीडबैक आपको दे दिया, मैंने सोचा एक का काफी नहीं है, दूसरे से पूछ लेते हैं, पर टेस्ट अलग होता है। तो सुषमा, व्हाट यू से अबाउट फूड, अबाउट एम्बियंस? एम्बियंस वाज गुड बट इट वाज लाइक ओके, नॉट दैट ग्रेट, ओवरऑल आउट ऑफ 10 माइट बी 7। ये है लवली रोड, बैंगलोर में रेसिडेंसी रोड के पास है, एमजी रोड से भी काफ़ी पास है, यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अपना, क्योंकि यहीं पे मेरा ऑफिस था, तो यहीं पे हम लोग अपने कलीग्स आके चिट चैट करते थे, बातें करते थे और गॉसिप करते थे, तो बहुत मज़े किए हैं, तो वो सब यादें ताज़ा हो गई। तो आज फ्रेंड के साथ मतलब सुषमा से मैं मिली, आप सब तो सुषमा को बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसके मिलने के बाद मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो गया, ऐसा होता है ना। चलो अब मन कर रहा है एक डेजर्ट खाने का, तो लेट्स गो, आई थिंक इट्स ग्लेन हाउस और ग्लेन बेकर हाउस और समथिंग लाइक दैट, मैं ले जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ उसका रिव्यू।
जस्ट अभी घर पर आई हूँ, घर पे ही मतलब मैंने सब कुछ वहां से पार्सल करा लिया था, तो यहीं आके आपने देख लिया क्या क्या है। क्या ब्लूबेरी चीज केक, ये है वनीला फिल्ड डोनट, और ये है कपकेक्स। तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है टेस्ट में। कैसा है? अच्छा, अच्छा लगा तुमको? तो ये है फिल्ड वनीला डोनट। इट्स नाइस। तो हो गया फिर लोचा। जैसे वो डेजर्ट वाला सीन में रिकॉर्ड कर रही थी, क्या हुआ, मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ। तो अब उस चीज के लिए मैं ऑब्वियसली रुकी नहीं हूँ, मैं खा गई हुई डेजर्ट। तो आपको मैं रिव्यू बता देती हूँ। जो मैंने डोनट खाया था फिल्ड विद वेनिला, वो अच्छा था, फ्रेश था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन जो मैंने रेड वेलवेट कपकेक्स थे, इवन चॉकलेट कपकेक था, आई थिंक हेजलनट कपकेक था, तो वो भी अच्छा था। एंड बात रही चीज केक की, वो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा क्योंकि मुझे वो फ्रेश नहीं लगा। तो वो काफ़ी मतलब थोड़ा हार्ड था, और इतना मतलब जो फ्लेवर्स थे वो काफ़ी दबे हुए थे उसके। तो उसको मैं बोलूँगी कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, मे बी उन लोगों ने वो मतलब काफ़ी थोड़ा फ्रेश नहीं था, या फिर क्या प्रॉब्लम रही, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अदरवाइज बाकी दो चीज़ अच्छी थी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस थे। तो बताइएगा आपने क्या ट्राई किया और आपको चीज़ें कैसी लगी। तो अब इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो बाय। ये अभी भी खा रहा था थोड़ा सा कपकेक। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। बाय बाय।